हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पनीर की बहुत ही आसान सी रेसिपी। देखिए इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। मटर, क्रश किया हुआ पनीर, चॉप किया हुआ लहसुन और प्याज अदरक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और पिसा हुआ लाल मिर्च। और आप चाहें तो इसमें मटर पनीर मसाला भी ऐड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई को गर्म होने रखा है। अब मैं इसमें तेल ऐड करती हूँ। तेल को मुझे अच्छे तरीके से गर्म करना है। जैसे ही तेल गर्म होता है, हम इसमें चॉप की हुई प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। पेस्ट में ये मैंने बारीक कट किया हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं। प्याज डालने के बाद इसको लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। देखिए हमें इसे एकदम भूनना नहीं है, हल्का ब्राउन करना है ताकि जो उसका टेक्सचर है और फ्लेवर है वो अच्छे से पनीर में आए। हल्का पिंक होता जा रहा है। इसे 5 मिनट पकाना है। 5 मिनट में ये अच्छे से पक जाएगा। देखिए प्याज पक चुकी है, देख सकते हैं। अब ये पूरी तरह लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें हमें ऐड करना है मटर। मटर को ऐड करने के बाद हमें इसे भी थोड़ा सा पकाना है। पकाना इसलिए क्योंकि ये कच्चा ना रहे, ऐसे इसको चलाते हुए पकाना है ताकि ये प्याज है वो ना लगे। अगर ऐसे आप इसे छोड़ देंगे तो प्याज चल जाएगी, इसलिए हमें साथ के साथ इसे चलाना भी होगा। तो चलाते रहेंगे हम थोड़ी देर तक। देखिए अब मटर है वो पकने लगी है हल्की हल्की, आप देख सकते हैं। अब बारी है इसमें लाल मिर्च पाउडर, उसको डालने की। देखिए मैंने आधा चम्मच से भी कम लाल मिर्च लिया। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जैसा तीखा खाते हैं आप तो उसमें ज़्यादा मिर्च ऐड कर सकते हैं, और अगर नहीं खाते हैं तो मीडियम डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर। आप डालेंगे हल्दी, देख सकते हैं, और लो फ्लेम पे इसको कर देंगे जब तक हम इसमें मसाले ऐड कर रहे हैं। अब देखिए ये सब डालने के बाद हम इसे चलाएंगे अच्छे से, ऐसे ही चलाते रहेंगे, छोड़ना नहीं है इसको, ऐसे चलाते हुए। अब जो हमने क्रश किया था पनीर को वो इसमें ऐड करेंगे। देखिए देख सकते हैं आप, आपको ज़्यादा बारीक क्रश नहीं करना है, थोड़ा मोटा करना है ताकि ये घुले ना। अगर हम बारीक कर देंगे क्रश और इसमें डालेंगे और पकाएंगे तो ये घुल जाएगा, पता नहीं चलेगा कि हमने इसको क्रश भी किया था। देखिए वैसे इसको चलाते रहेंगे, आप देख सकते हैं देखने में कितना ही टेस्टी लग रहा है, उससे भी ज़्यादा ये खाने में टेस्टी है। पनीर मसाला है वो हमें अभी ऐड नहीं करना, जब ये थोड़ा पक जाएगा उसके बाद हम पनीर मसाले को ऐड करेंगे, जिससे कि इसका टेस्ट है वो एकदम ताज़ा बना रहे। अगर अभी साथ ऐड कर देंगे तो वो मसाला है उसका टेस्ट नहीं आएगा इसमें। इसमें पनीर वाले मसाले को हम थोड़ी देर में डालेंगे और इसे धीमी फ्लेम पे पकने देंगे। आप देख सकते हैं पक रहा है ये। अब मैंने इसमें डाल दिया पनीर मसाला, ज़्यादा ना डालें आप, फिर ये आपका जो एक्स्ट्रा आपने मसाला डाला था उसका टेस्ट नहीं आएगा, टेस्ट इसी का आएगा। अभी देखिए जो पनीर ने अपने आप पानी छोड़ा था वो सूख चुका है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसमें। देखिए आधा कप पानी डालेंगे हम, बस आधा कप पानी डाला है मैंने इसमें।
और इसे हल्के हाथों से चलाते रहेंगे। याद रहे, ये हमें तेज फ्लेम पे नहीं पकाना है, धीमी फ्लेम पे ही पकाना है। देखिए, आप देख सकते हैं। अब 5 मिनट के लिए मैं इसे ऐसे ही ढक के रख दूंगी, ताकि जो मटर थी वो अगर कच्ची रह गई हो वो अच्छे से पक जाए। ये देखिए, आप देख सकते हैं मटर बहुत अच्छी तरीके से पक चुकी है। देखिए, आप देख सकते हैं। अब ये हमारा पनीर था, बनके तैयार है। हम इसे धनिया से गार्निश कर देंगे और ये खाने के लिए एकदम रेडी है। देखिए, आप देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है। ये दिखने में जितना टेस्टी है उससे भी ज़्यादा खाने में टेस्टी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।